अच्छा ये बता, दोनों में से एक को कुआं में फेंको, कौन है फेंक दूं? कौन है? तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मनोज फौजी ब्लॉग्स पर और एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन है शुक्रवार का और आज की डेट है 8/9/8/10/2021। सॉरी यार, थोड़ी सी गलती हो गई। सुबह के बजे हैं 9:30। आधों में काफ़ी पहले गया था, लेकिन यार 2-3 दिन से काम बहुत हल्का चल रहा था और आज शुक्रवार है, तो सुबह के टाइम में शुक्रवार को अच्छा काम रहता है थोड़ा सा। तो मैंने यही सोचा कि भाई पहले थोड़े से कुछ पैसे कमा लेता हूँ। 3-4 दिन से खर्चा ही खर्चा हो रहा, कमाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो काम धंधा करता रहा था, अब थोड़ा सा फ्री टाइम है, गाड़ी कोई है नहीं। ये देखिए, साथी भी हमारे सारे लाइन लगा के खड़े हुए हैं सवारी के इंतजार में। अब गाड़ी आने वाली है, तब तक के लिए फ्री टाइम है, तो सोचा आप लोगों से बात की जाए, आपसे मिला जाए। अब तो भाई साहब, अब गीता की भी थोड़ी सी सेहत में सुधार है, दवाई चल रही है लगातार। आज की भी ख़त्म हो गई है, अगर मंडी का चक्कर लग जाएगा तो मैं मंडी से जाऊँगा, कीवी वहीं से लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगी मिल रही है। और आज उम्मीद है यार, शुक्रवार है तो थोड़ा सा काम निकला, सुबह के टाइम में काम निकला है, 2 चक्कर में लगा के आ चुका हूँ भाई। वरना इस समय तक 2-3 दिन से तो एक भी चक्कर नहीं लग रहा था। कल भी इतनी मुश्किलों से लगा था, जो सुबह मैंने पहला चक्कर लगाया था वो दोस्तों से एक एक दो दो सवारी मांगी थी, जब जाके मुझे 5 सवारी मिली थी, और वही एक चक्कर लगा था दोपहर तक। 12 बजे 11:30 बजे करीब मैं घर गया था, कुछ नहीं किया मैंने। शाम को भी ऐसा ही हाल रहा, ज़्यादा कुछ भी नहीं निकला था। आज की उम्मीद थी, आज शुक्र है, आज शुक्रवार को थोड़ा सा उम्मीद रहती है कि काम अच्छा निकलता है। सैटरडे और वो फ्राइडे और सैटरडे को थोड़ा सा अच्छा काम रहता है, तो आज थोड़ा सा काम भी निकला है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी ना निकला हो, आज काम निकला है भाई। थोड़ी सी संतुष्टि है कि जेब में कुछ तो आया, जब से जा ही रहा है, 2-3 दिन से लगातार पैसे जा ही जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल समय चल रहा है यार, एक तो कोरोना के वास्ते उतनी लय काम की बनी नहीं पा रही है, और थोड़ी सी लय बनती है तभी कुछ ना कुछ आ जाता है। जैसे अब आ चुका है, अब चल रहा है मलेरिया और डेंगू बहुत भयंकर तरीके से, मेरे खुद घर में 2 मेंबर पड़े हुए हैं। तो बुरे समय की एक पहचान होती है भाई साहब, बुरा समय काटे नहीं कटता, अच्छा समय आराम से निकल जाता है, लेकिन दोनों अच्छा हो या बुरा समय लगातार चलते रहते हैं, उसी के साथ चलते रहो तो निकल जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। सोच के बैठ जाओ माथा पकड़ के दोस्त, और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, समय निकल जाता है। तो इसी बात पर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, या पहले कभी वीडियो देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो ऐसा 11 बज के हो रहे हैं अभी फिक्स 48 मिनट, और हमारा हो गया घर जाने का टाइम। ये हमारे प्रेम सिंह भाई साहब भी आ गए हैं। कहाँ से आ रहे हो? वृंदावन से। चलो बढ़िया, तुम्हें वृंदावन में चक्कर मिल सके, हमें एक भी नाम करवा, एक सिंगल सवारी ले गया था 200। तो भाई साहब वृंदावन का चक्कर लगा के आए, मैं यहाँ लोकल में ही चल रहा था, मुझे वृंदावन की सवारी नहीं मिली भाई, लेकिन फिर भी आज और दिनों के मुकाबले फिर भी अच्छा काम रहा है, इतना बुरा नहीं रहा। 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी, आज कम से कम इतना तो हो गया जितना फिर आज का खर्चा है, उतना काम पैसा निकल गया है मेरा। आज एक चक्कर मंडी का भी निकल आया था मेरे को, तो मंडी का जो काम था, कुछ फल फलारी वगैरह लाने थे, वो लेके आ गया हूँ, वो मैं दिखाऊंगा आपको घर पहुँचने के बाद। अब निकल रहे हैं घर, खाना पीना खाएंगे यार, बहुत ज़्यादा परेशान है और धूप बहुत तेज़ पड़ रही है। अब खास उम्मीद है नहीं काम की, क्योंकि अब 12 बजने को आ गए, कोई गाड़ी खास है नहीं है, एक गाड़ी बची है शायद गोल्डन टेम्पल, उसका भी अनाउंसमेंट हो रहा है, हो सकता आ रही हो, तो अगर आ गई है तो मैं 10-5 मिनट रुकूंगा, वरना निकल रहा हूँ घर के लिए। घर पहुँच के मिलाते हैं, घर में हमारे मरीजों की क्या हालत है अब। तो भाई साहब मैं आ चुका हूँ घर पे, अपना काम खत्म करके दोपहर तक का, और हमारे मरीज आज माने नहीं है, डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने उन्हें नहाने के लिए बोल दिया कि नहा सकते हो, 2 दिन से नहीं नहा रही थी गीता, आज नहाने के लिए बोल दिया तो वो नहा रही है। मैं गया था मंडी, मैंने आपको बताया पीछे वीडियो में, तो मंडी से लाया था सामान, वो दिखाता हूँ आपको। ये है फ्रूट, ये तो लाया था भाई साहब मैं, सेब, ये रहे, ये 1.5 किलो सेब हैं, ये 80 रुपये किलो दिए हैं। गीता के लिए लाया था कीवी, ये मेरे को यहाँ धौलीपा, हमारा जो लोकल मार्केट है यहाँ पे पड़ रहा था 150 रुपये के 4 दे रहे थे, वहाँ से मुझे केवल 100 रुपये के 4 पड़े, तो 50 रुपये का फ़ायदा हो गया है। और यहाँ पे सेब भी है, सेब भी यहाँ पे लगभग 120 और 100 रुपये किलो दे रहे हैं, वो वहाँ पे मुझे पड़े 80 रुपये किलो, तो मैं 1.5 किलो सेब ले आया था। और लेके आया हूँ बच्चों के लिए अनार, 1 किलो अनार लेके आया हूँ, जो कि मुझे 50 रुपये किलो पड़े हैं। तो आज थोड़ा सा पैसे कम गए थे, तो खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसे जब कम जाते हैं तो खर्च करने में दिक्कत नहीं होती है। और मेरा हमेशा से ही मानना है, मैं घर पर भी कहता रहता हूँ, डॉक्टर को देने से अच्छा है कि पेट में कुछ खा लो, सेहत भी बनेगी और डॉक्टर से भी बचे रहोगे, लेकिन ये लोग मानते नहीं है मेरी बात।
अब मैंने ला के धर दिया है। सेब तो हमेशा रखे रहते हैं घर पे, क्योंकि सेब मैं सुबह एक सेब डेली खा के जाता हूँ। जब निकलता हूँ सुबह नाश्ता करके कुछ खास ज़्यादा खा के जाता नहीं हूँ, और बाहर में कुछ खाता नहीं हूँ भाई, मेरे खुद की पेट की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से बाहर का कुछ खाता नहीं हूँ, घर ही आके वापस खाता हूँ दोपहर को। तो सेब तो हमेशा ही रहते हैं, ख़त्म हो गए थे कल, तो आज मैं ले आया हूँ फिर से। अब एक दो तीन, कम से कम 3 दिन के लिए फ्री हो चुका हूँ, कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है फ्रूट्स वगैरह में। तो बाकी दवाइयाँ चलती रहेंगी, गीता को भी थोड़ा सा आराम है, अगर वो नहा रही है तो जाहिर सी बात है कि आराम ही है उसे। तो चलिए आराम करते हैं, फिर शाम को मिलते हैं आपसे। तो भाई साहब शाम के बच्चों के 4:30, हम निकल रहे हैं दोबारा से अपने काम पे, और हमारी दोनों अन्नू और कब्बू आज आ रही हैं, मुझसे पहले भी गाड़ी में पहुँच जाती हैं ये लोग हमेशा, आज भी ये रही दोनों। देखो हेलो करो, इनकी दोनों की जवान अभी पूरी तरह से साफ हुई नहीं है, हल्की हल्की जो तोतलापन है वो है इनकी जवान में दोनों में, लेकिन इनका दिमाग कितना शार्प है और कितना साफ है। मैं अभी अन्ना थोड़ा सा डेमो देता हूँ आज इनका। अन्नु कब्बू इधर देख, अन्नू कब्बू इधर देखो। अच्छा ये बता, दोनों में से एक को कुआं में फेंको, कौन है फेंक दूं? कौन है? अन्नू तो बड़ी है, अन्नू को ना, तू छोटी है। तो बड़ी दीदी कौन है बता? है कौन है? तू है, तू तो छोटी है, तू है बड़ी। देख लो कितना तेज दिमाग है, और खासतौर से इसका कब्बू का, अपने लिए हमेशा आगे चलती है। चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो भाई साहब शाम के बज चुके हैं 5:30, मुझे आए हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है रोजाना की तरह। आज फ्राइडे सुबह थोड़ा सा काम निकला था, अपना काम करके मैं घर चला गया था, उसके बाद शाम के टाइम में वही हाल है जो रेगुलर था, और दिन भी वैसा ही चल रहा है सब कुछ, कोई काम नहीं है शाम के टाइम में, बहुत हल्का काम है। मैं घूम रहा हूँ अपने स्टेशन पर पीछे की तरफ, गाड़ियों से थोड़ा सा हल्ला गुल्ला से दूर, हमारे मित्र भी खड़े हैं और मेरी तरफ ही देख रहे हैं घूर घूर के। आज यार मेरे को भी थोड़ा सा हल्का सा तबीयत ख़राब लग रही है, सुबह से सर्दी का सा एहसास हो रहा है, जुकाम टाइप, बस बुखार नहीं आए, ऊपर वाले से दुआ जाइए वरना काम सबरे ख़राब हो जाएंगे। ये हमारे मित्र हैं कुछ, सोनू ठाकुर, पीछे राजेश, उसके अंदर कौन है, दीपक है क्या? दीपक लाइक कर दो भैया को, तो ये बनता जरूर है। ये हमारे मित्र हैं भाई, आपस में लगे हुए बात करने में, और जब काम नहीं होता तो यही होता है, आपस में पंचायत होती है, एक दूसरे की भलाई बुराई होती है, कौन अच्छा है कौन बुरा है सारे बातें होती रहती हैं। तो भाई साहब जिस चीज़ से डर रहा था, मुझे भी सुबह से मैं बता रहा था आपको, मैंने ब्लॉग में पहले भी बताया कि मुझे थोड़ा सा जुकाम और सर्दी का एहसास हो रहा है, लेकिन शाम होते होते ऐसा लग रहा है जैसे बुखार आएगा क्या। तो मैं आया हूँ हमारे डॉक्टर साहब के पास, ये मेरे घर के पास ही दुकान है डॉक्टर साहब की, डॉक्टर सैनी है, कम पैसों में अच्छा इलाज मिल जाता है, तो यहाँ के सुबह कहीं और जाना नहीं पड़ता, खासतौर से मैं तो यहीं भगा जाता हूँ कोई भी दिक्कत हो, तब दवाई दी है डॉक्टर साहब ने, अगर सुबह तक ठीक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना बोल रहे हैं ये भी कि जांच करानी पड़ेगी। इससे पहले 4 जांचें आई हैं और 4 में से 3 बता रहे हैं डॉक्टर साहब को 3 को डेंगू निकला है। तो डर थोड़ा सा दुआ कीजिए भैया डेंगू नहीं निकले, जुकाम से मेरा पीछे छूट जाए तो अच्छा है, ठीक। तो भाई साहब मैं आ चुका हूँ अब घर पे अपने पे, अपना काम खत्म, काम तो है ही नहीं खत्म, क्या करना यार। मैं आ चुका हूँ घर पे, डॉक्टर साहब के पास गया था भाई, मुझे आज सुबह से थोड़ा सा जुकाम का एहसास हो रहा है और हल्की सी सर्दी सी, तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने अपने आप डॉक्टर बनने से अच्छा है डॉक्टर के पास चले जाओ, और जो डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर सैनी वो ऐसे हिसाब किताब से ज़्यादा पैसे लेते नहीं हैं और अच्छी दवाई दे देते हैं, हल्के फुल्के मामलों में बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। तो उन्हीं के पास चला गया था मैं, उन्होंने दवाई दे दी, बोला है कि ये 2 खुराक ले जाओ और दवाई ले लेना, अगर आराम मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर आराम नहीं मिलता रात को कोई परेशानी या बुखार वगैरह चढ़ता है ज़्यादा तो फिर सुबह फिर जाँच करवाएंगे, क्योंकि इस समय डेंगू भयंकर इश्तिहार करा हुआ है इस समय मथुरा में, तो खुद गीता और ये पड़े हुए हैं, अब थोड़ा सा आराम मिलने लगा है। तो भाई आप प्लीज़ दुआ करना है कि मुझे खाली जुकाम में काम हो जाए, डेंगू वेंगू ना निकले, क्योंकि मैं ही कमाने वाला हूँ भाई, अगर मैं पड़ गया तो पूरे घर की स्थिति बिगड़ जाएगी मेरे की, और इस समय खर्चे का टाइम है, कुछ दिन बाद त्यौहार आ रहा है, ऊपर दिवाली आ रही है, फिलहाल स्कूल के बच्चों की फीस वगैरह सब कुछ, तो मैं भी बीमार नहीं होना चाहिए ऊपर वाले, और नवदुर्गा चल रहे हैं माता रानी से भी यही है कि कैसे भी मुझे बचा लो, बीमार नहीं होना चाहिए, हल्की फुल्की जुकाम खांसी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, दवाई होगी ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो अच्छी लगी हो
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।